हेलो सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, जो कि आर्ट ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आप किसी भी ग्रुप को इजीली हैंडल कर सकते हैं और अपने इशारे पे नचा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि फोटो चेंज और भी कुछ ऐसे बहुत चीज़ कर सकते हैं। आर्ट ऐसे सेटिंग बताऊँगा जो कि आप लोग बहुत ही व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाला आप लोग बहुत ही इजीली किसी भी ग्रुप को इजीली चला सकते हैं और अपने इशारों पे नचा सकते हैं दूसरे का ग्रुप। तो मान लो मैं किसी ग्रुप को ले लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जो नया नया वीडियो बनाता हूँ साथ में उसका अपडेट मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहेगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इस तरह का ग्रुप और भी आप अगर ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे हम लिंक देंगे, जो कि आप लोगों के लिए वहाँ बहुत सारा ऐसे ग्रुप है, फनी जोक और भी यूट्यूब और भी बहुत सारा आपको वहाँ पर कम से कम 5000 ऐसे आपको ग्रुप लिंक मिल जाएगा, जो कि 2019 का है और पूरा एडमिट किया हुआ एक्टिव पूरा आदमी है। सो फ्रेंड्स, और चलो मैं उस ग्रुप को ओपन कर किसी ग्रुप में मैं ओपन कर लेता हूँ। मान लो कि फ्रेंड्स, मैं इस ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरा पास यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप ओपन हो गया। तो ऐसे आप पहले हम बताएंगे कि कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में जो कि आप वहाँ से इजीली फ़ोटो चेंज उंज कर सकते हैं। तो मैं इसमें देख सकते हैं कि 3 डॉट है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और ग्रुप इन्फॉर्मेशन पे जाना है। जैसे ग्रुप इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद तो यहाँ ग्रुप जो है उसका प्रोफाइल ओपन हो जाता है। तो देख सकते हैं हम लोग के सामने आ गया। तो आप इजीली क्या करेंगे, यहाँ जो फोटो है फोटो में एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखेंगे कि यहाँ पेंसिल का बटन है, एक बार पेंसिल पे क्लिक करना है। जैसे पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने गैलरी ओपन हो जाता है। तो गैलरी में एक बार टच करके गैलरी ओपन कर लेना है और वहाँ से इजीली किसी फोटो को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं इसको मैं लगा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं यहाँ एक फ़ोटो ले लिया। तो यहाँ पर एक नीचे डन का बटन है, डन पे क्लिक करेंगे। जैसे डन पे क्लिक करने के बाद तो देख सकते हैं कि आ गया। तो चले जाते हैं बैक, तो उसका नाम कैसे चेंज करते हैं। तो देख सकते फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है ओरिजिनल लिखा हुआ है। तो एक बार पेंसिल पे क्लिक करना है उसका नेम चेंज करने के लिए। तो सीधा डायरेक्ट आप इसमें बैक पे क्लिक कर देना है और आप जो मर्जी हो आप जो सो नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ ऑल, तो मैं ऑल लिख देते हो। तो मैं यहाँ कुछ भी यहाँ इमोजी लगा सकता हूँ, देख सकते हैं। तो इमोजी लगाने के बाद मैं बैक हो जाता हूँ और यहाँ ओके का बटन है, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा फ्रेश लोडिंग ले रहा है यहाँ पर। तो ऑटोमेटिक देख सकते फ्रेंड्स कि आ गया। एक बार टच करना है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लिखा हुआ है, एक बार टच करना है। जैसे टच करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ सीधा डायरेक्ट बैक कर देना है। तो आप जिस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज इस हेलो फ्रेंड्स इस ग्रुप में सिर्फ पैसे कमाने की मैसेज और रिलेटिव इसमें डाला जाता है। तो आप इस तरह का इसमें डाल सकते हैं। तो और सिंपली आप इसमें ओके पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ओके हो जाएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यू चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप नया ग्रुप एडमिट होता है तो आप कुछ भी चलाते हैं, यूट्यूब या फेसबुक या कुछ भी चलाते हैं आप, या वीडियो देखते हैं, तो आपको वहाँ उस टाइम प्रॉब्लम आता है कि आपका जो है ग्रुप से नोटिफिकेशन आता है। तो उस नोटिफिकेशन के लिए आपको बंद करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को कोई सा भी काम करते वक्त, ताकि हमको कोई परेशान ना हो। तो आपको यहाँ सीधा डायरेक्ट यहाँ मेटू नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे नोटिफिकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहले रहेगा 8 हॉर्स। तो हम आपको कर देना है तो 1 ईयर के लिए। तो यहाँ ओके इजीली कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ कस्टम नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे कि इसमें क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने जब ये करेंगे तो यहाँ पर टिक मरा हुआ नहीं रहेगा। तो आप इसमें इजीली टिक कर देना है। करने के बाद तो आप यहाँ से पॉपअप, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ की पॉपअप यहाँ नोटिफिकेशन, तो आप उसमें क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिलता है, अलाउन सो पॉपअप या ओनली व्हेन स्क्रीन पॉपअप। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलता है। तो आपको सिंपली तीसरा नंबर पे व्हेन स्क्रीन ऑफ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो आपको यहाँ बहुत सारा कुछ मिल जाता है, नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाता है कि कौन सा वाइब्रेशन रखे या गाना रखे, क्या रखे, टोन रखे, वाइब्रेशन। अब इसमें वाइब्रेशन में क्लिक करने से आपको यहाँ वाइब्रेशन लॉन्ग या शॉर्ट या ऑफ कौन सा चाहिए, तो हम फिलहाल ही हम डिपुल ही रहने देंगे। तो आपको यहाँ
पर लाइट मिलता है, जो कि आपको नोटिफिकेशन जो आएगा आपको किस तरह का लाइट चाहिए, ग्रीन ग्रीन रेड वेल नॉन किस तरह का, तो हम करेंगे। तो जैसे हम रिकमेंड करेंगे तो कि आप प्रोपेलर मतलब इसमें ही रहने देना है कि आप यहाँ से प्राइवेसी देख रहे हैं कि प्राइवेसी में क्लिक करना है। जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे टिक करेंगे तो यहाँ आपको प्राइवेसी या हिडन करने के काम आता है। जैसे कि आप किसी भी रेड स्टूडियो और भी हिडन रिपीटियो स्टूडियो या पेयर स्टूडियोस, तो आप हिडन रिकॉर्डिंग स्टूडियो मतलब आप जो वहाँ से जो कोई बंदा आपको यानी कि ग्रुप में जो मैसेज डालेगा, तो यानी कि रिकॉर्डिंग करके या टाइपिंग करके या कुछ भी करके या कोई और भी कुछ करके, तो यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। दो आपसे यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, तो आप किसी में मान लो कि आपको हिडन टाइपिंग इंस्टीट्यूट हमको नहीं देखना है, तो आप यहाँ सिंपली इसमें क्लिक करके यहाँ और रिकॉर्डिंग हमको नहीं सुनना है तो आप इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बैक चले जाना है, तो यह ऑटोमेटिकली सेव ले लेता है। तो आप चलते हैं 5वां नंबर पे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पर जो है मीडिया ऑटो डाउनलोड, इसमें एक बार क्लिक करना है। तो इसमें होता है क्या, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा। जैसे कि कोई बंदा अगर जो उस ग्रुप में वीडियो या इमेज या ऑटो या डॉक्यूमेंट अगर छोड़ता है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा। तो आप चाहते हैं कि डाउनलोड हो ऑटोमेटिक, तो जैसे कि वीडियो या ऑडियो या इसमें ऑडियो अगर आपको चाहिए ऑटोमेटिक, जैसे उस बंदा छोड़ेगा तो उस बंदा ऑडियो जो है वो डाउनलोड हो जाए ऑटोमेटिक, तो आप यहाँ से सिंपली इसमें टिक करके रख सकते हैं या डॉक्यूमेंट पे रख सकते हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप किसी में भी मत रखिए, क्योंकि इसको बंद करके रखिए, तो क्योंकि दे वो ज़्यादा MB है, MB ज़्यादा जब आप छोड़ेंगे किसी पोस्ट अगर आप जो उसमें पोस्ट करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा कि आपका शायद नेट स्लो हो। तो उसमें ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें इनेबल करके मत देखें। तो इसमें टिक करके बैक चले जाना है, तो देख सकते हैं कि मेरा सामने अभी यहाँ बहुत सारा चैट आया हुआ है और आप इन्हें एक ही बार में डिलीट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करना है और क्लियर चैट पे क्लिक करना है। जैसे क्लियर चैट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लियर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि डिलीट मीडिया फ्रॉम माय फ़ोन, तो इसमें क्लिक करना है। क्लियर पे क्लिक करने के बाद तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया। तो आप अगर किसी ग्रुप को अगर आप हटना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो सीधा सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं एक्सिट ग्रुप, तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डिलीट हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से भी डिलीट हो जाएंगे। और यहाँ से आप एक बार 3 डॉट पे क्लिक करना है तो ग्रुप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे उसमें क्लिक करना है तो आप यहाँ सबसे नीचे चले जाना है, तो आप यहाँ से सबसे नीचे चले आना है। यहाँ आपको देख सकते हैं कि यहाँ ग्रुप इट ग्रुप लिखा हुआ है, तो आप उसमें एक बार क्लिक करके आप यहां से इट क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहां से रेमो हो जाएंगे, तो देख सकते हैं कि यहां डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। तो डिलीट पे एक बार क्लिक करने के बाद यहां डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही आज का इस वीडियो में 8 ट्रिक बताए जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। अगर आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हर कैटेगरी का एक वेबसाइट के लिंक दूंगा जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। आप वहां से बहुत सारा ग्रुप हर कैटेगरी में आपको इजीली मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जो कि उसमें बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये वेबसाइट जो है मेरा है और इसमें ग्रुप एडमिन मैं ही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग उस वेबसाइट को विजिट कीजिए और आप अपने ग्रुप चला सकते हैं और अपना आसानी से वेबसाइट या और भी कुछ को आसानी से वायरल कर सकते हैं और व्यूज भी बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग को शायद बहुत ही अच्छा रहे होंगे और हेल्पफुल रहे होंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाई।